अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक नईम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर करते हैं ये वीडियो शुरू। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दोबारा ख्याल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अभी जी मैं इधर अपने साथ ही अपना साथ है जी टाउन छोटा सा इधर आया हुआ हूँ जी चने लेने के लिए, नाश्ते के लिए। यहाँ से जी चावल भी लेंगे मीठे और नमकीन, क्योंकि यहाँ पे एक भाई हैं जी वो देख बनाते हैं जी चनों की और मीठे फीके चावलों की, वो आपको चल के दिखाते हैं जी। उनके छोले कमाल होते हैं और चावल भी कमाल होते हैं। अभी जी मैं उधर ही जा रहा हूँ जी सुबह के नाश्ते के लिए जी चने लेने के लिए। ये सामने हैं जी भाई देख वाले, बस चने उसके बनने ही वाले हैं जी। ये मीठे चावल, ये नमकीन। क्या हाल है सही? ठीक है भाई। ये अंकल हैं जी जो चने बनाते हैं और चावल मीठे पीके नमकीन। ये अभी आपको दिखाते हैं जी चनों वाला सिस्टम। ये चने हैं जी माशाल्लाह, कमाल टेस्ट होता है जी। एक जगह त्री दे रहे हैं। कमाल खुशबू आ रही है जी। एक जगह नमकीन 30 रुपए दे दो चावल, बे जगह 20 रुपए दे। चल ना सटो इन्होंने, चल बल्कि साडो साडो ये 20 रुपए था चार मीट 20 रुपए बल्कि 30 दे रहे हो जो वाल सीधा हिसाब आण। वैसे त्री त्री 130 बन गए। ये हमारा ऑर्डर तैयार हो चुका है जी। ये स्कूल है जी जामपुर, गवर्नमेंट हाई स्कूल जामपुर। और ये खूबसूरत सी मस्जिद जी, इसका
मीनार देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मस्जिद है जी, और अभी मैंने चने ले लिए हैं जी, और मीठे पी के मीठे नमकीन चावल भी ले लिए, और अभी घर की तरफ जा रहा हूँ जी। वो कहते हैं जी आप ना व्लॉग सराकी में बनाया करो, क्योंकि आपका व्लॉग ज़्यादातर लोग सराकी में देखेंगे, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे सराकी में व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि मैं हम सराकी हैं जी, मुल्तान, हम मुल्तान से बिलोंग करते हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे सराकी जबान के, अगर ज़्यादा कमेंट होंगे सराकी के, तो मैं सराकी में ही व्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि हमारी सराकी बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है सिर जबान है उर्दू से, तो आप जरूर बताइएगा मुझे क्या कर रहा है, हैं? पता नहीं है, गुस्से में हो आप, गुस्सा कर रहे हो सुबह सुबह, मेरा दिमाग खराब ना करो। ठीक है मैं जा रहा हूं। ये जी फूल अपने जोश में था, कहता जाओ मेरा दिमाग ना खराब करो। आपने इसे खुशी में भी देखा होगा, मैंने व्लॉग बनाया था इसकी, जुमेर भी देखी होगी आपने, ये अभी गुस्से में था जी, मैं तो मेरा दिमाग ख़राब ना करो। ये हमारे गांव के जी अंकल हैं, ये ट्रैक्टर ट्राली लेके जा रहे हैं मकई लोड करने के लिए, इन्होंने मकई कास्ट की हुई थी जी, ये मकई लेने जा रहे हैं जी। और पीछे जी लड़का है जी, उनको पता नहीं है, पीछे से उसका भतीजा है जी, जो ट्रैक्टर ट्राली के पीछे पीछे जा रहा है जी। ये हमारे गांव का लड़का है जी, ये छोटे बकरी के मेमे लेके जा रहा है जी चराने के लिए। अभी जी मैं गोश्त लेने के लिए आया हुआ हूँ जी अपने शहर, और वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, वो चोरों वाले आर्मी डॉग बुलाए थे, वो आप जाके देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपने इजहार कीजिएगा जी। ये सामने है जी HBL बैंक, इधर गोश्त बन रहा है जी, ये एक सही और ठीक ठाक गोश्त होता है, मतलब कि बीमार जानवर ज़ुबानी करते हैं ये। एक आदमी उसने 5-6 पकड़े हुए हैं। मेरा गोश्त बन रहा है जी, क्या चाप है। अभी जी मैं मुल्तान जा रहा हूँ जी, हवा बहुत तेज़ चली हुई है जी, अंधेरी बनी हुई है जी काफ़ी ज़्यादा, मैं मुल्तान जा रहा हूँ, उधर चल के जी आपको बताता हूँ मैं किस हवाले से जा रहा हूँ। आप, मैं रेडी वगैरह हो चुका हूँ जी, अभी 9:30 बज रहे हैं जी। Thank you.
अभी जी इधर से ना लिमका पीते हैं जी। जी अंकल गोल गप्पे भी पहले लगाते थे, आज नहीं लगाए हुए जी। सही, ये आ चुका है जी हमारा लिमका। ये जी नादरा सेंटर है जी, यहाँ से आईडी कार्ड बन रहे हैं जी। अभी जी इधर से पापड़ी खा रहा हूँ जी। अभी जी मेरी बाइक की लैमिनेशन चढ़ रही है, जो उधर लड़का खोल रहा है जी, ये लेके जा रहा है जी लैमिनेशन। वो सामने खड़ी है जी मेरी बाइक। टैंकी टापे ना न्यू थे जी, कोई खराश वगैरह नहीं थी। मैंने कहा चल उस पर ना छापर चढ़वा लेते हैं। ये अभी पेज वगैरह खोल रहा है जी, सामने पड़ी है लैमिनेशन जी। इधर जी टल निकाला जा रहा है जी। इधर जी लेमिनेशन हो रही है जी मेरी बाइक की। जो मांगने वाला है जी लड़का, फैमिली जी फाइनली जी लैमिनेशन चढ़ चुकी है जी टैंकी पे और टॉपों पे भी। ये भाई नीचे से पट्टी लगा रहे हैं जी। बस अब जी फाइनल हो चुका है जी मेरी मोटरसाइकिल का काम अल्हम्दुलिल्लाह से जी। सारा चीज़ जो लगवानी थी वो लग चुकी है सारी। ये BCG चौक है जी। बाइक पर लैमिनेशन चढ़ चुकी है जी। और अभी जी मैं अपने कज़न जो वसीम है जी उनके घर पर हुआ है जी, मैं उधर अब जा रहा हूँ जी। उनके चल के आपको घर ले जाते हैं जी। लेंटर तक काम पहुँच चुका है जी, अब मैं उधर ही जा रहा हूँ आपको चल। ये फातिमा सोसाइटी है जी। देखें जी लंटर वगैरह की सपोर्ट लग रही है जी।
लंटर तक गांव पहुंच चुका है जी। ये जी सीढ़ियां जा रही हैं, माशाल्लाह से जी। ये दो बड़े कमरे हैं जी, ये टीवी लाउंज, वॉशरूम, ये अटैच वॉशरूम, ये अटैच वॉशरूम है जी। माशाल्लाह से जी खूबसूरत घर बना हुआ है इधर, उधर सामने भी कमाल घर बने हुए हैं जी फातिमा सोसाइटी में। अल्हम्दुलिल्लाह से जी मैं मुल्तान से खैर वाफिस से घर आ चुका था और थोड़ी देर सोया मैं, क्योंकि मैं थका हुआ था काफ़ी ज़्यादा। मुल्तान के रोड इतने धक्के हैं, बंदा थक ही जाता है। तो अभी उठाऊँ जी, नमाज अदा किया, नमाज असर अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जी मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ जी। मेरा दोस्त मेरे साथ पढ़ता था तकरीबन 10 साल पहले, मैं 4थी 5वीं हम इकट्ठे पढ़ते थे। तो वो फिर मुल्तान चला गया, शायद आप जानते होंगे, होंडा पैलेस उनका शोरूम है, डेरे अड्डे। उनका हाफिज़ रमज़ान के बेटे हैं जी, अवैस रमज़ान, वो मेरे जिगरी यार भी हैं। और हम दोनों इकट्ठे ही पढ़ते थे 4थी और 5वीं अनायत वाला अलमहर स्कूल में। तो वो उस दिन मेरी उनसे बात हुई है, उनके अबू से, फिर मैंने उनका नंबर लिया, मेरी बात हुई है। तो अभी मैं उनके पास ही जा रहा हूँ जी, उनके गांव। वो रहते मुल्तान है, लेकिन उन्होंने इधर मकई वगैरह कास की हुई है भैंस पे ठुल वाला। तो मैं उधर ही जा रहा हूँ जी, आए चलते हैं जी, उनसे मुलाकात करते हैं। इधर देखें जी बच्चे जंप लगा रहे हैं जी। इधर ये 10 रुपये लेते हैं जी। ये बच्चे मदरसे से पढ़ के जा रहे हैं जी। ये हैं जी हमारे दीवान अनवान अवैस भाई, बहुत अरसे बाद आपको बताया जी मुलाकात हुई है। अगर बंदा ज़िंदा हो ना, फिर बंदे को मिल भी जाता है। बस अल्लाह पाक रहम करम फरमाया जी। हम तकरीबन 4थी 5वीं में पढ़ते थे, ये जब से छोड़ के गया था। और हम जिगरी यार थे, मतलब कि पक्की यारी थी। और कितने साल बाद जी दोबारा मिल चुके हैं जी। और उधर इनके वालिद साहब, फैमिली जी, हम खैर वाफिस से घर पहुंच चुके हैं जी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आज का ब्लॉग करते हैं जी यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।